गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी, राइट? बेसिकली हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। नाउ अभी तक का हमारा जो भी स्टडी था दैट वाज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनी कंपनी, राइट? तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, सो वी हैड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब। अभी इस चैप्टर में क्या करना है हम लोगों को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 भी हम लोग पढ़ लेंगे साइड बाय साइड, राइट? नाउ कंसोलिडेशन मतलब दो एंटिटी का परफॉर्मेंस को कंबाइन करना। मेरे हिसाब से तो कंसोलिडेशन का मतलब यही होता है, कंसोलिडेट मींस कंबाइनिंग। सी फॉर कंसोलिडेशन, सी फॉर कंबाइनिंग। अपने बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करिकुलम के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, राइट? सी फॉर कंबाइनिंग, सी फॉर कंसोलिडेशन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइनिंग एंड कंसोलिडेशन, देयर हैज टू बी मोर देन वन एंटिटी, राइट? अगर मैं ए की बात करूं, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, इसने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, इसने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, इसको कंसोलिडेट करना है। ये अपना बनाएगा, ये अपना बनाएगा, दोनों अपना स्टैंड अलोन बनाएगा। एंड फिर अपने को एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ना कंसोलिडेशन बनाने के लिए आज मैं अगर चाहूं अपना फाइनेंशियल, क्या मैं अपना फाइनेंशियल रिलायंस के साथ कंसोलिडेट कर सकता हूं? क्या रिलायंस अपना फाइनेंशियल टाटा के साथ कंसोलिडेट कर सकती है? नहीं, रिश्ता होना चाहिए हम दोनों के बीच, तभी कंसोलिडेशन पॉसिबल है। नाउ कंसोलिडेशन ए करेगा कि बी करेगा, डिपेंड करता है रिश्ता कैसा है उन दोनों के बीच। एमलगमेशन में क्या होता है, मैंने तुमको खरीद लिया, मैं चाहूं तो मैं टाटा को खरीद सकता हूं, मेरे अंदर उतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास उतना फंड्स होना चाहिए, या टाटा ने मेरे को खरीद लिया तो मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, आई एम नो मोर इन एग्जिस्टेंस। टाटा क्वायर्स माई कंपनी इज नो मोर इन टू एग्जिस्टेंस। नाउ द टाटा का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें मेरा भी चीज कंबाइन हो गया, दैट इज अब्सॉर्प्शन। यहां पर भी हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता है कि मेरा फाइनेंशियल तुम्हारे साथ कंबाइन हो रहा है, बट स्टिल आई एम इन टू एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं कि मेरा एग्जिस्टेंस खतरे पे है। खाली फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन माई फाइनेंशियल इज गेटिंग कंबाइंड विथ योर्स बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट इज ऑल अबाउट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कंसोलिडेशन कौन से केस में होता है पहले अपने को वो समझना पड़ेगा। कंपनी ए हैज अक्वायर्ड मोर देन 50% शेयर्स इन कंपनी बी,
राइट, ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ये भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, राइट। नाउ इफ इफ अ कंपनी इज अक्वायरिंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इसको बोला जाता है सब्सिडियरी कंपनी, एंड इसको बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। ये अपना स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल बनाया है, ये भी अपना स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। एज पर एएस 20, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी ए हैज टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ए हैज टू प्रिपेयर व्हाट? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विथ कंपनी बी, कंपनी बी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा है यहां पे, कंपनी कंपनी बी मर नहीं रहा है, कंपनी बी स्टिल इनटू एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि कंपनी बी मर गया है, बट कंपनीज एक्ट बोलता है कि क्योंकि आपके पास में उसका मोर देन 50% शेयर्स है, तो आपका फाइनेंशियल मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल्स ऑफ दैट कंपनी, उसी को कंसोलिडेशन बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन AS 21, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज एक्ट ये नहीं बोलता कि कंसोलिडेट करो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कंपनीज एक्ट मैंडेटरी बनाएगा कि आपको कंसोलिडेशन करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी नहीं बोलता कि आप कंसोलिडेशन करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि कंसोलिडेशन करना है तो इस तरीके से करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट मैंडेट कंपनी टू डू कंसोलिडेशन, इट इज द कंपनीज एक्ट विच इज मैंडेटिंग। आई हैव टू, मेरे को अपना फाइनेंशियल्स तो बनाना ही है, बीइंग अ कंपनी मैं अपना बनाऊंगा। अगर मैं किसी कंपनी का मोर देन 50% शेयर होल्ड करता हूं तो आई विल कंबाइन इट्स फाइनेंशियल्स इनटू माइन। देयर टू थिंग्स, सब्सिडियरी स्टिल इनटू एग्जिस्टेंस, खाली फाइनेंशियल्स कंबाइन हुआ है प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। आई विल ऐड माय एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विद योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कंबाइनिंग में तो यही होगा ना। कंसोलिडेशन करना कैसे, उसका ट्रीटमेंट इज प्रेस्क्राइब इन AS 21। ये नहीं बोलता कि कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी, AS 21 कंसोलिडेशन का ट्रीटमेंट बताता है। जिसको जिसको मैंडेटरी है वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन करेगा। इट इज द कंपनीज एक्ट विच मैंडेट्स कंपनी टू प्रिपेयर स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड विद सब्सिडियरी। कंसोलिडेशन सब्सिडरी नहीं करता, कंसोलिडेशन होल्डिंग करता है, और ये कंपनी लॉ में लिखा है। राइट,
इज इट फाइन? हाँ सपोज करो मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूं, इधर मैं नॉन करेंट एसेट मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी करंट एसेट, यहां पे शेयर होल्डर ये कंपनी ए का बैलेंस शीट है, यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी आ गया, इधर में करंट लायबिलिटी आ गया। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरा कंपनी बी में, मैंने इसके शेयर खरीद रखे हैं, सपोज 80% शेयर मैंने खरीद रखे हैं, तो हिसाब से कंपनी बी का जो भी नॉन करंट एसेट है, जो भी करंट एसेट है, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी जो भी है, इसका 80% बिलोंग्स टू दिस, इफ आई हैव एन इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी मींस शेयर होल्डर फंड में किसका नाम है? शेयर होल्डर फंड में मेरा नाम है, मेरा नाम है, इसका मतलब इस कंपनी का 80% एसेट एंड लायबिलिटी मेरा हुआ। तो जब मैं इसको कंसोलिडेट करके दिखाऊंगा तो इट विल रिप्रेजेंट माय ट्रू पोजीशन। मैंने खुद कंपनी स्टार्ट किया, चीज को समझो, आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी, आई हैव टोल्ड माय इन्वेस्टर टू प्रोवाइड फंड्स, उससे मैंने एसेट खरीदा, धंधा कर रहा हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इंस्टेड ऑफ टेलिंग इन्वेस्टर्स टू पुट मनी, व्हाट आई कैन डू, कंपनी फंड से मैं दूसरा कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो ये जो कंपनी फंड से जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी बी में, ये भी तो मेरा ही है ना। तो कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, उसका जो एक्चुअल शेयर वैल्यूएशन है वो कंसोलिडेशन के बाद निकालो, और अच्छा वो वैल्यू आएगा। मार्केटेबिलिटी क्या है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब चीज के लिए कंसोलिडेशन इज मैंडेटरी। आज रिलायंस का जो मेन कंपनी होगा ना, जो मेन कंपनी है, वो अपना सारा कंपनी में होल्डिंग करके रखा है, तो उस कंपनी का वैल्यूएशन, जो मेन कंपनी का जो वैल्यूएशन करना है रिलायंस ग्रुप का, तो क्या करना पड़ेगा, उसका जितना भी सब्सिडियरी कंपनीज है सबका एसेट लायबिलिटी को यहां कंसोलिडेट करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके इसका टोटल नेटवर्थ मालूम चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले समझ में आया रिश्ता क्या होना चाहिए दोनों में। आई एम होल्डिंग प्लस 50% शेयर्स ऑफ योर्स, तो इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए विथ कंपनी बी। इसका मतलब कंपनी बी सब्सिडियरी है, ए होल्डिंग है, इसका फाइनेंशियल्स यहां कंसोलिडेट होगा। पूरा प्रोसेस इज लेड आउट, इज इट फाइन? आइए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ग्रुप, ग्रुप का मतलब समझ में आया ना, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट, और भी बहुत सारा होता है एक्सेट्रा,
होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बना दिया, अप्लाई द कंसोलिडेशन प्रोसेस, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स, ये सब अपन सीखेंगे इस चैप्टर में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में क्या बोलता है, राइट? ये पूरा प्रैक्टिकल समय ये हम लोग करेंगे, राइट? स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू द फुल कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है, राइट? कुछ कुछ कंट्रीज में पार्शियल कंसोलिडेशन भी फॉलो होता है, बट हम लोग इंडिया में फुल कंसोलिडेशन फॉलो करते हैं। तो दैट पूरा प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू हाउ फुल कंसोलिडेशन इज बींग डन, राइट? तो अभी मैंने आपको खाली यही वाला समझाया है मीनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, राइट? समझ में आया? तो कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, जिससे ग्रुप का पूरा पिक्चर आ जाए, नेटवर्थ आ जाए, वैल्यूएशन आ जाए, राइट? ये सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेशन है, ये सब एक्सक्लूडेड है हमारे सिलेबस में, राइट? सो दीज आर सम स्पेशल केसेस जो इस चैप्टर से एक्सक्लूड किया गया है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ग्रुप कंपनी का मतलब समझा दिया मैंने। एक मेन ग्रुप है, ये सारे कंपनी का शेयर खरीदते जाता है, राइट? खाली शेयर खरीदने से कंट्रोल नहीं आता, कंट्रोल दूसरे तरीके से भी आता है। अगर मैं तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेजर कॉम्पोजिशन चेंज कर सकता हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारा होल्डिंग कंपनी हो गया, तू मेरे सब्सिडियरी हो गए, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। राइट? इधर परचेसिंग शेयर्स और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। If I have the right to appoint, reappoint, remove directors of your company, so I have influence over you, na? Right? तो ये Companies Act में section defined है, holding company इसको बोला जाता है जो दूसरे company में अपना control enjoy करता है। दोनों एक्चुअल में डिस्टिंक्ट एंड लीगल एंटिटीज है, दोनों अपना अपना पीएल बैलेंस शीट बनाएगा, हालांकि एज पर कंपनीज एक्ट होल्डिंग को कंसोलिडेट करके दिखाना है। तो जितने भी होल्डिंग कंपनी के यूजर्स हैं, होल्डिंग कंपनी के यूजर को दो चीज मिलता है, यूजर ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक उनको मिलता है क्या, स्टैंडर्ड ऑन फाइनेंशियल, और एक क्या मिलता है, वेरी गुड, थ्योरी नहीं आएगा बट कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए। सब्सिडियरी कंपनी किसको बोलते हैं, इज समवन कंट्रोल्स माई कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ समवन अक्वायर्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ माई कंपनी,
ठीक है, ए ने बी में अक्वायर किया और बी ने सी में 50% प्लस 50% शेयर प्लस 50% शेयर, तो सी इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ ए। सब्सिडरी का सब्सिडरी भी मेरा सब्सिडरी हुआ ना। तो इसका इसमें कंसोलिडेट होगा, फिर कंसोलिडेटेड वाला इधर आएगा, बात एक ही है। दिस वन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब अपॉइंट रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। आप सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय द पेरेंट, सब्सिडरी नहीं होल्डिंग कंपनी बनाता है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। स्टैंड अलोन में होल्डिंग कंपनी का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है ना, इसका अकाउंटिंग होगा AS 13 के हिसाब से। लेकिन होल्डिंग कंपनी में जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनेगा वो बनेगा AS 21 के हिसाब से। मतलब यू आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसका अकाउंटिंग होगा AS 13 लेकिन कंसोलिडेशन होगा AS 21। गॉट माई पॉइंट? AS 21 का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड।
ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है दिस इज इन एडिशन टू स्टैंड अलोन, पेरेंट दो फाइनेंशियल बनाता है, एक अपना और एक ग्रुप का। अगर मेरे पास में किसी कंपनी का प्लस 20% से लेके लेस देन 50% शेयर है तो वो मेरा एसोसिएट माना जाएगा। उसका अकाउंटिंग AS 23 के हिसाब से होगा और AS 27 में जेवी ज्वाइंट वेंचर, अगर मेरा किसी के साथ में ज्वाइंट वेंचर चल रहा है तो उसके लिए AS 27। तो मोर देन 50% फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, मोर देन 20 लेस देन 50 फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, और ज्वाइंट वेंचर है तो फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। ठीक है, तो अभी हम लोग AS 21 में ही फोकस करेंगे। AS 21 में भी सब्सिडियरी का डेफिनेशन तो बार बार बोल रहा हूं, AS 21 कंपनी को नहीं बोलता कि आप कंसोलिडेटेड बनाइए, कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है। AS 21 तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर्स लेड आउट किया है, कंपनी एक्ट मैंडेट्स प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल विथ सब्सिडरी। AS 21 लेज डाउन प्रिंसिपल्स। ठीक है, मोर देन 50% शेयर्स और कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेजर मेजर मेजर, मतलब अगर मान लो 5 डायरेक्टर है तो 3 डायरेक्टर का अपॉइंट रिमूव करने का मेरे पास पावर है मेजॉरिटी।
अब ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, राइट। जैसे समझो होल्डिंग कंपनी है, मेरे पास में इसका 70% शेयर है, किसका? सब्सिडियरी का। इस कंपनी का है 70% शेयर, सो आई एम नोन एज द होल्डिंग कंपनी, है ना? ही इज नोन एज द सब्सिडरी कंपनी, तो ये अपना फाइनेंशियल जिसके साथ कंसोलिडेट होगा, ओनली 70% ना। चीज को समझो, मैंने यहां पे कितना परसेंट होल्डिंग है था मेरा कंपनी बी में? 80% होल्डिंग था। इट मींस इसका शेयर होल्डर लिस्ट में 80%, अदर शेयर होल्डर 20%, मिला के 100% हो गया। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इफ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ सम कंपनी, इट मींस इस कंपनी का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 80% मेरा है, उसी को मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं ना। सो इफ आई एम कंसोलिडेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कितना कंसोलिडेट कर पाऊंगा? 80% उतना ही। क्या मैं इससे ज्यादा कंसोलिडेट कर पाऊंगा दोस्त? क्योंकि 20% इन लोगों का है, इसी को बोला जाता है MI, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसी को बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अगर मैं पूरा 100% कंसोलिडेट करता हूं, दिस 20% इज नॉट ओन्ड बाई ए, एज अ रिजल्ट I have to show minority interest in consolidated balance sheet. As a result, I have to show minority interest in consolidated balance sheet. मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट किया हूं, देखो अपना शेयर होल्डर रजिस्टर चेक करो, उसमें मेरा नाम है। देखो कंपनी बी का शेयर होल्डर रजिस्टर में ये का नाम है, मतलब ए कैन प्राउडली से, मान लो ये कंपनी बी है, ये कंपनी बी है एंड आई एम द शेयर होल्डर, आई एम ए। मैं बोल सकता हूं ए, दिस फर्नीचर इज माइन, दिस प्लांट एंड मशीन इज माइन, ये स्टॉक इज माइन, ये डेटर से जो पैसा लेना ये मेरा है, ये कैश मेरा है। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलता है मालूम है? आपका 80% है, सब आपका नहीं है, सब आपका नहीं है सर, क्योंकि 20% बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी। प्लस अगर आपका एसेट्स है तो लाइबिलिटीज भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो बाकी का 20% भी अगर मैं दिखाऊंगा, बट दैट इज नॉट माइन, सो आई हैव टू शो अ सेपरेट लाइबिलिटी नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिकॉज आई हैव एडेड 100%, मैं 100% ऐड कर चुका हूं, इसमें से 80% ही मेरा है। टू द एक्सटेंट ऑफ 20% आई हैव टू शो माइनॉरिटी।
इज इट फाइन? सो व्हाट इज माइनॉरिटी? सबको क्लियर हो गया? सो बाकी का 30% दिखाएंगे तो यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% दिखाना पड़ेगा। दैट पार्ट ऑफ नेट ऑपरेशंस, नेट एसेट्स जो मेरा नहीं है, ठीक है? इक्विटी सबको मालूम है, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी बोला जाता है। ये रूल्स वगैरह सब मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको नहीं समझना है, धीरे धीरे करके हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, हम लोग करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ली ओन्ड एंड पार्शियल ओन्ड। अगर आप माइनॉरिटी भी दिखा रहे हैं दैट्स होल्ली ओन्ड हो गया। होल्ली ओन्ड मतलब 100% होल्डिंग है। और ये मतलब 70% 80% ओन सब्सिडरी है। तो होनली ओन में मैं बोल सकता हूं कि माइनॉरिटी जीरो है, एमआई जीरो है, हाँ ना? झमेला ही नहीं है माइनॉरिटी दिखाने का। यह एमआई कितना है? 20-30 आज तक केस में भी। अगर 70% मेरा होल्डिंग है तो 30% माइनॉरिटी, 80% मेरा होल्डिंग है तो 20% माइनॉरिटी। ऑल द शेयर्स आर ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी। मेजॉरिटी शेयर्स है मेरे पास, ऑल नहीं है। 100% वोटिंग राइट आर वेस्टेड विथ होल्डिंग कंपनी, देर इज नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये सब बकवास का बात है, सब घर पे पढ़ने वाला चीज है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एज अ होल दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना है, पीएल कंसोलिडेट करना है, कैश फ्लो भी कंसोलिडेट होगा। ना यहां पे रिलायंस में देखना, जब आप रिलायंस का बैलेंस शीट देखेंगे ना तो रिलायंस के बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज का इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा? जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, राइट? तो आप, मैं क्या कहूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल को समझना है तो मेरे को इन सबका फाइनेंशियल को भी समझना पड़ेगा। तो रिलायंस 150, रिलायंस के पास में 150 सब्सिडियरी है, मेरे पास खाली 10 शेयर। इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेक एन सो मच एनालिसिस? राइट, अब कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस जो मैं इतने देर से बोल रहा था, कंपनीज एक्ट बोलता है बनाओ,
ये सब केसेस में कंसोलिडेशन नहीं होगा, ये सब कंपनी लॉ का चैप्टर है, ये सब अपने को अकाउंट्स में नहीं देखना है। नो कंसोलिडेशन, AS 21 का स्कोप ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थियोरिटिकल चीज मैं करवा दे रहा हूं, उसके बाद अपन कंसोलिडेशन में जाएंगे। एमलगेमेशन अलग से कवर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अलग से कवर्ड है। इसका AS 23 एसोसिएट्स का और इसका AS 27 है। AS 21 में खाली होल्डिंग सब्सिडियरी का कवर किया जाएगा, एसोसिएट कंपनी ज्वाइंट वेंचर इज नॉट कवर्ड। देखो इतना देर से जो मैं बोल रहा था ना वो यहां पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट मैंडेट टू प्रिपेयर कंसोलिडेट। अगर बनाना है तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर AS 21। अगर कोई कानून बोलता है, कानून मतलब यहां कौन हो गया, कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ये सब इतना डिटेल में आप लोग घर पे खाली रीड करिएगा। ये सब के केस में कंसोलिडेशन नहीं होगा, नो कंसोलिडेशन। ये मैंने आपको एडवांटेजेस ऑलरेडी बता दिया है। होल्डिंग कंपनी का इवैल्यूएशन करने के लिए आपको कंसोलिडेटेड के बेसिस पे ही करना पड़ेगा। यूजर्स को एक ओवरऑल पिक्चर के बारे में मालूम चलेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू आप कंसोलिडेटेड से निकालिए, बेटर होगा। राइट कंसोलिडेटेड में हम लोग के एग्जाम में जनरली जो टेस्ट किया जाता है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टेस्टेड होता है। राइट, दिस इज व्हाट दे टेस्ट। कंसोलिडेशन का पूरा प्रोसेस मैं प्रैक्टिकल सम्स कराते वक्त आपको बताऊंगा।
ये पूरा प्रोसेस ये लोग दिया, हम लोग टाइम टू टाइम इतना सारा एग्जांपल्स करेंगे, उन सब में इस चीज को मैं कवर करवा दूंगा। अभी इतना सारा कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स बोला अलग से, आपको कोई चीज के बारे में दिमाग नहीं लगाना है, द फुल कंसोलिडेशन आई विल एक्सप्लेन यू। एमलगमेशन में भी था कि इंटर कंपनी अकाउंट्स को अपने सेटल करते थे, तो यहां पर भी आज हम तुमसे पाते हैं, तुमको मेरे को देना है अपना अलग अलग बैलेंस शीट में, लेकिन व्हेन आई एम डूइंग कंसोलिडेशन देन इंटर कंपनी हटेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्ट होगा, है ना, ये सब हम लोग बात करेंगे। आइए, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल, इसका हम लोग को कंसोलिडेशन करना है। एक काम करता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आपको, छोड़ दो आप इसको, लिव दिस वन। ए कंपनी नॉन करेंट एसेट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी 80% शेयर मैंने खरीद लिया है उसका 3 लाख, करेंट एसेट 3 लाख, 10 लाख आया, शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, इसका भी दिया हुआ है राइट right? अच्छा 31 मार्च 23, बी कंपनी, शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 180, नॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में बोल दिया है, ए कंपनी हैज अक्वायर्ड शेयर्स ऑफ बी कंपनी ऑन 31 मार्च 23, मतलब आज ही मैंने शेयर खरीदे हैं तुम्हारे, ये उसका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है
और ये इसका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। राइट ना, जब ए ने बी का शेयर खरीदा होगा तो ए ने क्या जर्नल एंट्री किया होगा? जर्नल एंट्री इन ए कंपनी बोलो तो। AS13 अगर मैं फॉलो करूं, AS13 में लिखा है जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो आपको एंट्री करना चाहिए जिस कॉस्ट में आपने खरीदा। इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी डेबिट 3 लाख, टू बैंक 3 लाख। एज अ रिजल्ट यू कैन सी इन्वेस्टमेंट इन माई बैलेंस शीट, तो ये हमारा बढ़ गया होगा और करंट एसेट 3 लाख कम हो गया होगा, इसीलिए तो हुआ होगा ना। यस और नो? सबसे पहला प्रोसेस समझ में आया? व्हेन आई परचेज शेयर आई विल अकाउंट इट फॉर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। नॉर्मल है, मैंने तो आज शेयर खरीदा ना, मैंने क्या बोलता हूं, अगर कंसोलिडेशन होगा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारा एएस इनवैलिड हो जाएगा। आज मान लो मेरा इस एसेट में एक नॉन करेंट एसेट में फाइनेंस लीज है तो उसका अकाउंटिंग तो AS19 के हिसाब से होगा। करंट एसेट में स्टॉक है तो उसका अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से होगा। खाली कंसोलिडेशन के लिए आपको AS21 फॉलो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारा AS इनवैलिड हो जाएगा। ये जितना भी मैंने आपको रीड करवाया ना अभी, ये सब आपको काम आएगा, क्योंकि जब मैं जितना भी डिस्कशन करूंगा दैट विल बी रिटन, यू विल फाइंड दैट इट इज रिटन इन दैट थ्योरी। कुछ कुछ तो हार्डकोर कंपनी लॉ रिलेटेड था तो वो तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एंट्री हमने 31 मार्च को ही किया है। ये एंट्री हमारा 31 मार्च 23 को ही हुआ हुआ है। राइट, इज इट फाइन? नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है जिस दाम में आपने खरीदा उस पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दीजिए, बैंक को कम कर दीजिए। तो हमने हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया हमारे बुक्स में। अब कंसोलिडेशन की बात करते हैं।
तो मैंने ये शेयर खरीदा तुम्हारी कंपनी में, मतलब ये शेयर होल्डर फंड हुआ ना, इस शेयर होल्डर फंड का कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, शेयर होल्डर लिस्ट में किसका नाम है, शेयर होल्डर लिस्ट में ए कंपनी 80%, अदर्स 20%। इसका मतलब इसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का एट्टी परसेंट मेरा हुआ। अगर 80% एसेट मेरा है तो 80% लाइबिलिटी भी हमको अज्यूम करना पड़ेगा। सेवन लाख इज माई टोटल एसेट्स ऑफ बी, 3 लाख इज टोटल लाइबिलिटी। आज अगर 7 लाख का 80% मेरा है तो 3 लाख का 80% लाइबिलिटी भी तुमको अज्यूम करना पड़ेगा। आई एम द शेयर होल्डर ना, शेयर होल्डर हैज राइट्स ऑन नेट एसेट्स नॉट ऑन ग्रॉस एसेट्स। ये जो शेयर होल्डर फंड दिख रहा है इसमें लिस्ट में मेरा नाम है, इसका मतलब इसका एसेट्स मेरा हुआ ना, कितना एसेट ए मेरा हुआ कि नेट एसेट 80% मेरा हुआ, नेट एसेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय नेट एसेट्स ना। इफ आई टेक लाइबिलिटी ऑन द एसेट साइड देन 7 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख इज माई नेट एसेट, शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो 4 लाख। तो कैन आई से इस इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे और 80% नेट एसेट दिखा देंगे, जस्ट लाइक अमलगमेशन, बिजनेस परचेस किया, बिजनेस परचेस में चिंगारी डाल दिया, तो कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट में चिंगारी डालेंगे। मेरे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है इसमें क्या करूंगा, मैं चिंगारी डालूंगा। चिंगारी डालते ही क्या होगा, उस कंपनी का 80% नेट एसेट निकल कर आएगा। 80% ऑफ नेट एसेट्स का वैल्यू 3,20,000 है, लेकिन मैंने खरीदा उसको कितने में था, इसका मतलब मैंने 20,000 सस्ता में खरीदा है। दैट इज कैपिटल रिजर्व फॉर यू। तो फर्स्ट माय इन्वेस्टमेंट विल बी कंपेयर्ड विथ नेटवर्थ। And then the consolidation will be done. Sir, picture खत्म नहीं हुआ है, plus 20% भी आप दिखा के यहां पर MI दिखा दीजिए। So process क्या है, process of consolidation, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन, नंबर वन शो इन्वेस्टमेंट एट ट्रू वैल्यू, दैट इज कंपेयर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट with net worth oblique shareholder fund of subsidiary company। ध्यान से सुनिएगा, cost of investment आपको कहां से मिलेगा, holding company's balance sheet, और ये वाला चीज आपको कहां से मिलेगा बोलो,
शो इन्वेस्टमेंट एट ट्रू वैल्यू, मैंने इन्वेस्टमेंट को 3 लाख पे खरीदा था बट उसका रियल वर्थ क्या है 320, शेयर होल्डर फंड इज 4 लाख सब्सिडरी का, इसका 80% विल बी कंपेयर्ड विथ माई कॉस्ट। ये कॉस्ट ऑलमोस्ट 80% का ही है, कॉस्ट को वापस 80% मत करना क्योंकि वो तो 80% का ही है, जो मैंने दिया वो तो 80% का ही है ना। तुम्हारा नेटवर्थ इज 4 लाख, उसका 80% मेरा, तो पहले उसका ट्रू वैल्यू पे दिखाएंगे। तो ऐसे रिजल्ट हमको ये समझ में आएगा कि मैंने बनाया है किसी को कि मैं बनकर आया हूं। गुडविल कैपिटलिज्म, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम है मतलब मैंने बनाया है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा है मतलब मैंने बना, मैं बनकर आया हूं। राइट तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख लेस नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसका 80% लूंगा मैं, तो उसका नेटवर्थ कैसे आएगा, लाइबिलिटी अप्रोच से, शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 150, मिला के 4 लाख, उसका 80% लेना है। दैट इज 3,20,000। सो वी आर गेटिंग कैपिटल रिजर्व, तो इसको बोलेंगे अपन ठीक है। नाउ ये हमारा सबसे पहला है, शो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शेयर बाय रिप्लेसिंग इट विथ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी।
ठीक है। सो यहां पे हमने क्या किया, सब्सिडियरी का नेटवर्थ है कितने का, 3,20,000 का, कितने का है बोलो ना भैया, 3,00,000, 3,20,000 का है ना, लेकिन मेरे बुक्स में कितना में दिखाया हुआ है, 3,00,000 में। तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व 20,000 बढ़ा दिया, जो 20,000 बढ़ाया वही मेरे बुक्स में कैपिटल रिजर्व आया। आया ना, नाउ व्हाट यू आर टेलिंग मी, जो इन्वेस्टमेंट है उसको हटा के उसका नेट एसेट दिखाओ, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट 560 होगा ना, 7,00,000 का 80%, हाँ या ना। टू नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, तीन लाख का 80%, सर ये तो एमालगमेशन की तरह ही हो गया। एमलगमेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चिंगारी लगाते हैं ना, ये क्या है, कैसा आना रहा है ये, ये इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी है, इसमें से क्या निकल के आ रहा है बेटा, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इज इट ओके, क्या है ना,
क्लियर? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने इसको 3 लाख में खरीदा, बट इसकी वर्थ कितनी है? 3,20। देखो 4 लाख का 80%, तो शो इन्वेस्टमेंट एट ट्रू वैल्यू, कंपेयर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद नेटवर्थ। तो हमारी कॉस्ट 3 लाख है, और नेटवर्थ ऑफ सब्सिडियरी 4 लाख का 80% कितना हुआ? 3,20। तो पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, अब हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने का आया? 3,20 का हो गया ना। अब ये 3,20 का क्या है हमारे पास? नेट एसेट्स किसका? सब्सिडियरी का। इसको काट के ये वाला एरो आएगा। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, समझ लो इन्वेस्टमेंट में अनार लगा दिया, चिंगारी लगा दी। तो जो हमारे पास 3,20 का इन्वेस्टमेंट था वो गिर गया, बदली में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ गया उस कंपनी का। क्लियर? अब स्टेप 3 बहुत सिंपल है, शो रिमेनिंग नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी टू द एक्सटेंट नॉट ओन्ड बाय होल्डिंग। विथ करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब बाकी का जो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट है, 140, 7 लाख का 20%, चार लाख का 20% हो गया नेट में। ये मेरा नहीं है दोस्त, बट मेरे कंट्रोल में तो है। इसी को फुल कंसोलिडेशन बोलते हैं। फुल कंसोलिडेशन तभी कर सकते हो जब पार्शियल ओन्ड हो। फुल्ली ओन्ड होगा तो माइनॉरिटी है ही नहीं, तो वही फुल कंसोलिडेशन हो गया। तो इसको अपन क्या बोल के दिखाएंगे? एक लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट 80। मतलब इन्वेस्टमेंट के बदली में 80% आ गया, बाकी का 20% जो आया उसको लाइबिलिटी बोल के दिखाएंगे। बाकी का जो 20% आया उसके लिए अपन माइनॉरिटी दिखाएंगे। पहले बताओ, होल्डिंग को सब्सिडियरी में ऐड करने की सब्सिडियरी का फिगर को होल्डिंग में लेना है? कंसोलिडेशन में किसका फिगर किधर जा रहा है? सब्सिडियरी का फिगर होल्डिंग में जा रहा है, और जो सब्सिडियरी का फिगर होल्डिंग में जा रहा है, क्या होल्डिंग के बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट पे है? हाँ, मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट है, तभी ना मैं तुमको ले रहा हूं।
तो सर एग्जाम में थोड़ी जर्नल एंट्री दिखाना है, नहीं एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं दिखाना, तो सबसे पहले क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को उसका रियल वर्थ पे दिखाओ, मेक इट ब्रिंग इट टू नेटवर्थ, तो वी हैव टू इंक्रीज बाय 20, दैट इज रिजल्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, दिस वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वंस द इन्वेस्टमेंट हैज रीच्ड इट्स रियल वर्थ, फायर इट अप, सो यू विल गेट 80% नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. Remaining 20% is not yours, but still you have to show as minority. This is simply fire it up. बाकी का 20% आपका नहीं है बट आपको दिखाना है, तो इसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का. नोट टू, शेयर कैपिटल 250, रिजर्व एंड सरप्लस 150, टोटल 4 लाख का 20%, वैसे भी आ जाएगा 80,000. एक ही बात है, आप लाइबिलिटी अप्रोच से निकालो चाहे आप एसेट अप्रोच से निकालो. शो इन्वेस्टमेंट एट रियल वर्थ, then replace investment with 80% net assets of subsidiary, show remaining 20% along with minority. तो हो क्या रहा है, पूरा पिक्चर क्या हो रहा है, पूरा पिक्चर what is the picture? अपन तो इतना स्टेप नहीं फॉलो कर सकते, एग्जाम में अपन को सीधा फॉलो करना है. अल्टीमेटली what is happening? पहले मैं इन्वेस्टमेंट को 320 पे ला रहा हूं, 320 पे लाने से यहां क्या आ रहा है, यहां कैपिटल रिजर्व आ रहा है 20,000 कहां है ना. फिर इस इन्वेस्टमेंट के बदले में मैं 80% दिखा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट हट जा रहा है. नेट एसेट इज इंक्रीजिंग, बाकी का 20% भी मैं दिखा रहा हूं, बट अब की बार यहां पे माइनॉरिटी आ जा रहा है 80,000 का. तो अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस में क्या हो रहा है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, लाइन बाय लाइन ऐड हो रहा है. माय इन्वेस्टमेंट इज कंपेयर्ड विथ योर शेयर होल्डर फंड डिफरेंस कैपिटल रिजर्व एंड योर शेयर होल्डर फंड का रिमेनिंग इज माइनॉरिटी. यस और नो? सो नट में समरी क्या निकला हम लोग का, व्हाट इज द समरी, सबसे पहला बात, फिगर्स ऑफ सब्सिडियरी टू बी कंबाइंड विथ होल्डिंग, ये बात तो एकदम दिमाग में डाल लो. नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, सिंपली एड विथ फिगर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, हाँ है ना.
ठीक है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, टू द एक्सटेंट शेयर्स ओन्ड बाय होल्डिंग कंपेयर विथ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी शोन इन होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी उससे कंपेयर करो। रिजल्टिंग फिगर इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडरी कंपनी टू द एक्सटेंट शेयर्स शो एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट। एंड इट विल बी शोन बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें देखो ओन्ड प्लस नॉट ओन्ड दोनों ऐड हो गया ना। टू द एक्सटेंट इट इज ओन्ड मेरा बुक्स में इन्वेस्टमेंट है। टू द बुक टू द एक्सटेंट इट इज नॉट ओन्ड मैं हैव शोन माइनॉरिटी सेपरेटली। सब्सिडरी का जितना भी एसेट लाइबिलिटी है ये सब यहां लाइन बाय लाइन ऐड हो रहा है। तो ये सब लाइन बाय लाइन ऐड हो गया, बचा खाली शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। टू द एक्सटेंट ऑफ 80% विल बी कंपेयर्ड विद इन्वेस्टमेंट गुडविल कैपिटल रिजर्व। एनी वे फर्स्ट यू आर इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू एंड देन अल्टीमेटली यू आर एलिमिनेटिंग इट। एंड टू द एक्सटेंट नॉट ओन्ड वी आर शोइंग माइनॉरिटी। बिकॉज वॉट एवर आई हैव कॉन्सोलिडेटेड इसमें नॉट ओन्ड वाला मेरा नहीं है, इसलिए अलग से लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, सब्सिडरी का सारा एसेट लाइबिलिटी को लाइन बाय लाइन ऐड कर देना होल्डिंग के साथ में। और सब्सिडरी का जो भी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस उसको कंपेयर करना है टू द एक्सटेंट ऑफ 80% इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दैट इज देयर इन होल्डिंग कंपनी का बुक।
दिस शेयर होल्डर फंड इज देयर एज एन इन्वेस्टमेंट इन होल्डिंग कंपनी. सब्सिडरी में ये शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है, बट जिसने पैसा लगाया उसमें तो एज एन इन्वेस्टमेंट होगा ना, तो कंसोलिडेट में ये कॉन्ट्रा बोल के कट जाएगा, डिफरेंस गुडविल कैपिटल रिजर्व. आज मैं बोल रहा हूं मेरा तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मैं तुम्हारा फिगर्स को कंसोलिडेट कर रहा हूं, तो तुम्हारा शेयर कैपिटल भी मेरे में आएगा. लॉजिकली सोचो लाइन बाय लाइन, तो इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल ये तो एक ही चीज हो गया, सेट ऑफ. दिस इन्वेस्टमेंट इन माई बुक्स नथिंग, इट इज शेयर होल्डर फंड इन योर बुक्स, बट टू द एक्सटेंट ऑफ आई एम होल्डिंग 80%, बाकी का 20% माइनॉरिटी दिखाई रहे अलग से हम लोग. Is it fine? Shall we move ahead? So ultimately what is happening? अगर मैं holding की बात करूं, holding companies consolidated balance sheet में क्या क्या आ रहा है? मेरा अपना figure आ रहा है, plus all assets and liabilities are combined eliminate investment and show goodwill or capital reserve, and number two show minority interest. That's it. मेरा अपना के साथ बस यही आएगा, subsidiary का share capital reserve नहीं आएगा, क्योंकि टू द एक्सटेंट होल्डिंग इज होल्डिंग शेयर वो कैंसिल हो जा रहा है कॉन्ट्रा बोल के, एंड डिफरेंस इट इज गिविंग मी गुडविल कैपिटल रिजर्व, एंड टू द एक्सटेंट नॉट ओन मैं अलग से माइनॉरिटी बोल के दिखा रहा हूं, शेयर कैपिटल बोल के नहीं दिखाऊंगा. ठीक है, इज इट फाइन? हाँ, तो इसके लिए अपन बनाएंगे नोट वन, इसके लिए बनाएंगे नोट टू, बस खत्म, जो ऑलरेडी हम पहले बना चुके ऊपर में. क्लियर? आइए,
सो हियर वी विल प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. एज ऑन 31 March 2023, ए लिमिटेड विथ बी लिमिटेड. ठीक है, नाउ ध्यान से सुनना. शेयर कैपिटल में होल्डिंग का अपना आएगा, सब्सिडरी का तो आएगा नहीं. रिजर्व एंड सरप्लस में भी होल्डिंग का अपना आएगा, सब्सिडरी का नहीं आएगा. हां, जब मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू तुम्हारा शेयर कैपिटल फंड रिजर्व एंड सरप्लस से कंपेयर होगा तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ सकता है. देखो, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है. टू द एक्सटेंट ओन्ड बाय होल्डिंग आई एम कंपेयरिंग, रिजल्टिंग फिगर इज गुडविल कैपिटल रिजर्व. टू द एक्सटेंट नॉट ओन्ड आई एम शोइंग माइनॉरिटी. तो जो भी शेयर कैपिटल है वो खाली होल्डिंग का और सब्सिडरी का है, होल्डिंग का ही आएगा. सब्सिडरी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस कंसोलिडेटेड में नहीं आएगा. इसका 80% इसके साथ कंपेयर हो गया. डिफरेंस कैपिटल रिजर्व आया, 20% को माइनॉरिटी बोल के दिखाएंगे. इनिशियली हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया, पहले हमने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ाया, फिर उसको एलिमिनेट किया. जब कंसोलिडेशन करेंगे तो जर्नल एंट्री करने का दरकार नहीं है, डायरेक्टली दोनों को कंपेयर करके कैपिटल रिजर्व निकालिए और उसको एलिमिनेट कर दीजिए. बैलेंस शीट बनाते वक्त हम लोग ये वाला 1 और 2 कंबाइन कर रहे हैं. क्योंकि डिफरेंस एनीवे कैपिटल रिजर्व आ रहा है. अल्टीमेटली बच क्या रहा है? कैपिटल रिजर्व ना. जो बच रहा है वही दिखाना है. जो कैंसिल ऑफ हो जा रहा है उसको फायदा क्या है? पहले बढ़ाएंगे फिर कैंसिल ऑफ करेंगे. अल्टीमेटली तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व ही आ रहा है ना, नेट में इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है. और टू द एक्सटेंट शेयर नॉट ओन्ड, उसका एसेट हम ऑलरेडी ऐड कर चुका है. व्हेन आई एम एडिंग फुल सब्सिडरी, इसका मतलब ओन नॉट ओन दोनों ऐड हो गया. इससे अलग से खाली माइनॉरिटी दिखा रहा है लाइबिलिटी. पॉइंट नंबर 3 का ये तो ऑलरेडी हो गया ना, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर ले रहे हैं. कब कैसे कर रहे हैं? जब हम सब्सिडरी का एसेट ले रहे हैं तो इसको भी ले ले रहे हैं. तो अल्टीमेटली आई एम शोइंग, तो इसीलिए आप जनरल एंट्री को अलग देखिए और इसको अलग देखिए. जनरल एंट्री पूरा कंसोलिडेशन का प्रोसेस आपको समझा रहा है कि पहले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, फिर उसको उसका कंपेयर किया जाता है. सो व्हेन यू आर शोइंग इन्वेस्टमेंट एट ट्रू वैल्यू, ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व इज कमिंग. नाउ अल्टीमेटली यू आर एलिमिनेटिंग, सी यू आर एलिमिनेटिंग हियर. तो इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं ना, अल्टीमेटली आया क्या? खाली कैपिटल रिजर्व आया. यस और नो?
तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में खाली हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस किसका आएगा, खाली होल्डिंग का आएगा, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। टू द एक्सटेंट शेयर्स ओन्ड बाय होल्डिंग वो कैंसिल ऑफ हो रहा है कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट के साथ, मेरे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है और तुम्हारा बुक्स का जो, ये तो एक ही चीज है ना, माई इन्वेस्टमेंट योर लाइबिलिटी। लेकिन ये पूरा मेरा नहीं, इसलिए 20% जो माइनॉरिटी अलग से दिखा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल खाली मेरा आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी मेरा आएगा। लेकिन यहां पे कैपिटल रिजर्व 20,000 आया है, ठीक है, ये हमारा नोट वन है, नोट वन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो, 3 लाख लेस शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी का 80%, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी का 80%, है ना, ट्वेंटी नेगेटिव आया मतलब कैपिटल रिजर्व अलग से माइनॉरिटी आएगा। एट्टी थाउजेंड नोट टू तो देखो सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस पूरा ही हट गया, ये तो कॉन्ट्रा हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट के साथ, और 20% जो मेरा नॉट ओन्ड था वो अलग से लायबिलिटी बोल के आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल खाली होल्डिंग का ही आएगा, सब्सिडियरी का 80% तो कैंसिल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के साथ, राइट, होल्डिंग कंपनी के बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वही ना सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट करता है, और 20% माइनॉरिटी बोल के आएगा। इसके अलावा सब लाइन बाय लाइन ऐड करना है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ओन्ड नॉट ओन्ड फर्क नहीं, मेरा अपना कितना है 1 लाख, तुम्हारा कितना 1 लाख, दोनों का मिलाया 2 लाख आ गया, मेरा अपना कितना है 1 लाख, तुम्हारा कितना है 2 लाख, 3 लाख,
टोटल कितना आ रहा है? चौदह लाख नॉन करेंट एसेट। मेरा अपना कितना है? 4 लाख। तुम्हारा कितना है? 5 लाख। मेरा अपना कितना है? 3 लाख। तुम्हारा कितना है? 2 लाख। इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता तुम्हारा करिकुलम में। एमलगमेशन में भी लफड़ा है। अभी इन्वेस्टमेंट को हम लोग बढ़ाया भी, बढ़ाते ही देखो कैपिटल रिजर्व आ गया। फिर इन्वेस्टमेंट को हटाया तो उसमें से चिंगारी लगाया, तो सब्सिडरी कंपनी का 80% एसेट लाइबिलिटी निकला, बाकी का 20% को भी निकाले उसको अलग से फिर माइनॉरिटी दिखाए। सिंपल, 5 बार करेगा एक ही चीज को, रट जाएगा। कंसोलिडेशन का प्रोसेस है, इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है, खाली स्टेप्स को समझना है। सारा एसेट एंड लाइबिलिटी को लाइन बाय लाइन ऐड कर दो। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस खाली मेरा आएगा, तुम्हारा वाला तो कैंसिल ऑफ हो रहा है ना, लेकिन तुम्हारा वाला पूरा कैंसिल ऑफ नहीं हो रहा है। इट टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी का शेयर जितना ही कैंसिल ऑफ हो रहा है, बाकी का माइनॉरिटी। इज इट ओके? तो इसको रिवाइज करिएगा एंड एग्जाम्पल नंबर 1 अपने आप ट्राई करके आइएगा, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ओके, बाय।